चैनल, कैसे हैं आप। जैसे मेरी फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको जो भी O3 प्लस के प्रोडक्ट्स दिखाए थे, तो मैंने आपसे बोला था कि मैं आपके साथ उसका वन बाय वन रिव्यू शेयर करूंगी। सो आज वो दिन आ गया है। फिलहाल आज हम इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाले हैं एक स्क्रब के बारे में, जो आपको पता है O3 प्लस का प्रोफेशनल वाल्केनो स्क्रब है ये। एंड इसकी पैकेजिंग इस टाइप की है जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में दिखाई थी। अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भेज दूंगी, देन आप वो जरूर देखिएगा। उसमें मैंने सारे O3 प्रोडक्ट्स के जो भी मैंने पर्पल से मंगवाए थे उसके बारे में दिखाया हुआ है। सो कंटिन्यू करते हैं। ये ऐसी पैकेजिंग में है, मैंने उसको ओपन करके नहीं दिखाया था, आज मैं ओपन करके दिखा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने फेस पे बिल्कुल अपने हेयर्स नहीं लाने हैं, दैट मीन्स आपको अपने हेयर बिल्कुल अच्छे से टाई अप कर लेने हैं, जैसे कि आपका फेस पे जो हेयर्स हैं हेयर्स पे बिल्कुल इफेक्ट ना पड़े। मेरा एक्चुअली बैंड मिल नहीं रहा है मुझे, सो मैं अभी इस टाइप से जुगाड़ी कर लूँगी। पर गाइस मैंने अपने फेस को सबसे पहले वॉश करके आई हूँ। मैंने सबसे पहले अपने फेस से जितने भी डस्ट हो वो आपको निकाल देनी है प्रॉपर। एंड अब मैं यहाँ पर लूँगी थोड़ी सी क्वांटिटी इसकी लूँगी। ये इस टाइप से ओपन होता है एंड हम इसको ज़रा सा ही लेंगे। ओके, दिस इज ब्लैक इन कलर। ओके, तो मैं थोड़ा सा और ले लेती हूँ इसको। मैंने इतनी क्वांटिटी ली है इसकी, मे बी मुझे नहीं पता मुझे इसको ज़्यादा लेना है, मे बी इतनी क्वांटिटी सही होगी। तो इसके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग मैं क्या करती हूँ, इसको अपने पूरे फेस पे पहले हमें लगा लेना है, पूरा फेस इससे कवर कर लेना है। ये एक चारकोल पैक की तरह लग रहा है मुझे, लेकिन गाइस ये चारकोल पैक नहीं है। चारकोल पैक तो पील ऑफ मास्क होता है, जब वो ड्राई हो जाता है तो हमारी स्किन से वो छूटने लगता है, लेकिन ये चारकोल मास्क नहीं है, ये आपका स्क्रब है। सो हमें इसको अच्छे से बहुत ऐसे कर लेना है। ये आपको लगाने में ना बहुत चिप चिप लगेगा गाइस, बहुत ज़्यादा स्टिकी है, मतलब बहुत ज़्यादा वैसा है। मतलब मैंने तो कभी चारकोल मास्क भी अपने फेस में नहीं लगाया है, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। सो हमें इसको 5 मिनट्स मैक्सिमम लगा के रखना है। मैं इसको लगा के रखती हूँ, देन मैं इसे हल्के हल्के मसाज करने वाली हूँ अपने फेस की, देन मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका रिजल्ट कैसा है। ऐसा लग रहा है मेरे फेस पे किसी ने होली का कलर लगाया है। दैट्स ऑल, 5 मिनट्स हो चुके होंगे एंड अब मैं इसको हटाने वाली हूँ। मुझे अपना फेस बहुत अजीब सा लग रहा है। वैसे इसमें स्टिकीनेस नहीं है, मतलब ये मास्क की तरह आपके ऐसे ऐसे नहीं उतरेगा। थोड़ा सा कैसे बताऊँ, जैसे थोड़ा सा ना वो होता है, स्टिकी बिल्कुल भी नहीं है ये, बल्कि सूख सही है अगर आप देख सकते हो तो। ये अगर मैं इसको टच करूँ तो ये जल्दी से बहुत जल्दी सूख जाता है। अब मैं इसकी मसाज स्टार्ट करती हूँ अपने फेस की, देन आपको रिजल्ट बताती हूँ। इसकी मसाज के लिए हम थोड़ा सा वाटर लेंगे, अगर आपके पास रोज वाटर हो देन आप उस पर स्प्रे भी कर सकते हो अपने फेस पे, या फिर नॉर्मल वाटर से ही स्प्रे कर सकते हो। मैं नॉर्मल वाटर यूज कर रही हूँ। ओके, आपको इस तरीके से बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से मसाज करना है अपने फेस को। बिल्कुल भी हैंड गाइज, बिल्कुल भी हैंड अपना पुश नहीं करना है अपने फेस पे, बहुत ही सॉफ्टली इसको जेंटली मसाज करना है आपको अपने फेस पर, बहुत ही सॉफ्टली। मेरी स्किन बिकॉज सेंसिटिव भी है, सो मेरी स्किन पे एक्चुअली ये होता है कि ज़्यादा स्क्रब सूट नहीं करते हैं। ये स्क्रब मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ गाइस, आई डोंट नो इसका रिजल्ट कैसा होगा, बट ये मुझे बहुत रफ सा फील हो रहा है अगर मैं आपको बताऊँ तो, बट इसका रिजल्ट पता नहीं कैसा होगा। बट हाँ, अभी तो फिलहाल मुझे इसमें बहुत ज़्यादा वाटर यूज़ करना पड़ रहा है अपने हैंड पर, जैसे कि ये थोड़ा सा मैं इसको मसाज अच्छे से कर सकूँ। गाइस मैंने इसको अच्छे से मसाज कर लिया अपने फेस पे, आप देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल घोर से कम नहीं लग रही हूँ। अब मैं अपने इस फेस को नहीं देख पा रही हूँ ज़्यादा देर तक, सो मैं अपने वॉश करके आती हूँ, देन आपको रिजल्ट शेयर कर। हेलो गाइस, मैंने अपना फेस बिल्कुल वॉश कर लिया है अच्छे से, एंड तो
अब मैं इसको मैंने वाइप भी कर लिया है फेस टॉवल से, अब मैं इसको आपको अच्छे से बिल्कुल हटा लेना है स्क्रब को। और गाइस सीरियसली मैं अपने फेस पे डिफरेंस देख सकती हूँ, ओ सॉरी मेरे नोज पे रहेगा आई थिंक थोड़ा सा, वेल मैं अपने फेस पे डिफरेंस देख सकती हूँ गाइस, आप भी आई थिंक देख पा रहे होंगे वीडियो में। मुझे अपना फेस बहुत सॉफ्ट लग रहा है और वाइटनेस भी आई है मेरे फेस पे आई थिंक, मतलब मुझे तो लग रहा है गाइस। वीडियो में अगर आप देख पा रहे हो तो आप मेरी स्किन देख सकते हो, पहले से आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा। पहले तो लगाने पे मुझे लग रहा था कि ये कैसे कैसे कैसा है, बट जब मैंने इसका रिजल्ट देखा देन मुझे ये काफी बेटर लग रहा है और स्क्रब से, क्योंकि ऑल स्क्रब में क्या होता है ना, मेरी स्किन सेंसिटिव थी, ऑल स्क्रब में क्या होता था कि मेरी स्किन रेडिश हो जाती थी, रेडनेस बढ़ जाती थी स्क्रब से, बट मैं यहाँ पर जैसे देख सकती हूँ मेरी स्किन पर कोई भी रेडनेस नहीं है। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है देन आपको ये जरूर ट्राई करना चाहिए, बिकॉज मेरी खुद ही सेंसिटिव स्किन है। एंड गाइस इसमें जो लिखा हुआ है वो मैं आपके लिए बता देती हूँ। सबसे पहली चीज, इसमें पैराबिन नहीं लिखा हुआ है इसके इंग्रेडिएंट्स में, बिल्कुल भी पैराबिन नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है, जिसको पैराबिन प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो इसके लिए बेस्ट है। एंड इसमें जो कंडीशन लिखी हुई है वो नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है, मेरी भी नॉर्मल टू ऑयली ही है, सेंसिटिव भी है मेरी स्किन ना बहुत ज्यादा मिक्सचर है, आई डोंट नो मेरी स्किन ड्राई भी हो जाती है, वेल सो ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए है। देन एंड इसकी जो MRP है वो 490 है, बट मैंने इसको पर्पल से 10% डिस्काउंट से खरीदा था, एंड और बाकी इन्होंने अपनी सारी कहानियां लिखी हुई है, यह हमें जानने की जरूरत नहीं है। ये था हमारा ऑल रिव्यू। ये थी हमारी वॉल्केनो स्क्रब की O3+ वॉल्केनो स्क्रब की रिव्यू वीडियो। अगर आपको ये पसंद आया हो, मुझे तो सच में बहुत पसंद आया, बिकॉज मेरी इसमें मुझे डिफरेंस दिख रही है। जैसे ये ना बहुत ट्रैवलिंग वाला भी है, ट्रैवलिंग फ्रेंडली है ये क्योंकि छोटा सा है, आपके वॉलेट वगैरह कहीं भी फिट हो सकता है। तो बाई चांस आपको स्क्रब ले जाना है कहीं पर, आप घूमने जा रहे हो तो आप स्क्रब ले जाना पसंद करते हो, देन आप इसको ईजिली कैरी कर सकते हो। गाइज अगर आपको मेरी उतनी प्रोफेशनल वॉल्केनो स्क्रब की वीडियो पसंद आई देन इसको जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड अगर आपने बेल आइकन को हिट नहीं किया देन आप अधूरा काम कीजिएगा, बिकॉज बेल आइकन को हिट नहीं करेंगे आप तो आपको ना मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएंगी, मैं आप तक पहुंचा पाऊंगी, देन हाफ ऑफ काम होगा। इससे अच्छा है कि आप बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अच्छी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मैं मिलाती रहूंगी, देन वेट कीजिएगा। ओके थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।